सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर के इस बर्थडे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज विकास दुबे जी का बर्थडे है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में एक बहुत ही अच्छे पिलर के साथ वो जुड़े हुए हैं और सारे काम को बखूबी अपने अनुभव से और इतनी कम उम्र में जिस तरीके से उन्होंने संभाला हुआ है कि सरप्राइज को आज उस मुकाम तक पहुँचाने में इनका भी छोटा सा योगदान है। तो आज उनके बर्थडे के लिए हम लोग एक कादीपुर में बहुत ही फेमस और नया है अभी तो कैफ़े, वहाँ पे हम लोग आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन वाइट टी कैफ़े है। तो यहाँ पे विकास जी का जो है बर्थडे सेलिब्रेट होगा। आइए आपको लेके चलें बर्थडे जो है सीट पर। तो हैप्पी बर्थडे विकास जी, कैसे हैं और आपके बर्थडे के लिए और विकास जी के बर्थडे के लिए विकास जी को हमारी तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से जाओमी की एक यमाई का फ़ोन है, रेडमी नोट 9, इसकी अनबॉक्सिंग भी साथ में होगी। और अनबॉक्सिंग करेंगे जो है विकास जी, अभी आप लोग वीडियो देखेंगे भी, थोड़ा नज़दीक आइए। और ये है, आप लोग देख सकते हैं रेडमी नोट, जाओमी के मोबाइल है और मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, काफ़ी अच्छी मोबाइल है। और इसको आप लोग जो है फ्लिपकार्ट से जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अभी इस समय करेंटली में जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चल रही है ये मोबाइल। और ये आपको बर्थडे गिफ्ट जो है, आप सब लोगों को बता दूं कि ये बर्थडे गिफ्ट विकास जी को इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी निष्ठा से लगभग, मुझे लग रहा है कि 2 वर्ष हो चुके हैं, तो सरप्राइज में 2 वर्ष इन्होंने सफलतम जो है एक्सपेंड किया है और सरप्राइज को अपने उस मुकाम तक भी ये पहुँचाए हैं। तो आप इसकी अनबॉक्सिंग करिए और मैं आपको बाकी लोगों से भी मिला दूँ। और ये हैं हमारे हरीश सर, इनको आप लोग पहचानते होंगे। हरीश सर, विकास जी के लिए 2 शब्द। पहले तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू विकास जी, और आप ऐसे ही हमेशा जहाँ पे भी रहिए पूरी अपनी मेहनत से, लगन से लगे रहिए, ईमानदारी से। और बर्थडे तो मान लीजिए हर साल मनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा ओकेज़न है हम लोगों के लिए आज इनका बर्थडे। उसके साथ साथ इनका जो काम है वो बड़ा ही ऑनेस्टली रहता है, इनके काम से पूरी संस्था जो है प्रभावित है और इस वजह से भी इनको कुछ अलग ट्रीट किया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमेशा थैंक यू। तो विकास जी हमारे जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ये लीजिए, अनबॉक्सिंग करिए, किनारे हाँ, दूसरे साइड इस साइड में हाँ। और हमारे साथ बैठे हैं जो है सिकंदर विश्वकर्मा जी, इस समय जो है हमारे सेंटर पर फर्नीचर का, जो आप लोग अच्छे अच्छे फर्नीचर्स देखते हैं उसका बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सिकंदर जी 2 शब्द हमारे दुबे जी के लिए। विकास जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास जी का सरप्राइज कोचिंग में बहुत बड़ा योगदान है और निष्ठापूर्वक उसमें जुटे हुए हैं। और हमारे अमित जी, आप सब अमित जी से मिलिए। तो अमित जी हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अमित जी जो है विकास जी के ही सहपाठी, सह साथी और अच्छे मित्र, रूम पार्टनर सब कुछ हैं। तो आप 2 शब्द बोलना चाहेंगे जी। जैसा कि विकास जी मतलब सरप्राइज ऑनलाइन सब ऑनलाइन हाँ काफ़ी योगदान रहा है मतलब, और मतलब निष्ठापूर्वक मतलब अपने कर्तव्य में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अनबॉक्सिंग हो चुकी है और ये मोबाइल है, काफ़ी इसको ओपन करने की तैयारी, चमक रही है मोबाइल और इसको नहीं है तो चमकेगी ही भाई। हमारे विकास भी तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी मोबाइल है, लुकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। पीछे आप सब देख सकते हैं जो है 4 कैमरे हैं इस मोबाइल में। और ये मैंने ब्लैक, क्योंकि प्रोफेशनल जो लोगों की पसंद है, हालांकि इसमें कई कलर मिल रहे थे लेकिन मुझे ब्लैक खास तौर पर भी इसलिए पसंद है
क्योंकि प्रोफेशनल लुक आता है कि हाँ ये ब्लैक मोबाइल होना चाहिए एकदम सिंपल। और इसके साथ इनको जो है चार्जर मिला है, यूएसबी केबल और एडाप्टर। और इसके साथ क्या क्या है? कवर भी है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन कवर है। और जो है यूज़र मैनुअल होगा, गाइड होगा और इसके साथ एक वारंटी कार्ड भी होगा। तो ये बर्थडे गिफ्ट था विकास जी के लिए। विकास जी बोलना चाहेंगे कुछ? जी सर, जैसे कि जो है बता रहे हैं कि आप लोग बताए ही दो साल से लगभग लगे हुए हैं, तो बस हम चाहते हैं कि ऐसे ही जो हमारा लगन ऐसे ही बना रहे और हम सरप्राइज कोचिंग में ऐसे ही लगातार जो है उसका अच्छे से जो है कार्य करते रहें और कार्य जो है हमेशा प्रगति पे ही चले। धन्यवाद सर जी, और धन्यवाद सर जी बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। और अब हम आपको जो है अपने प्रोपराइटर से मिलाते हैं, जो ग्रीन वैले कैफे, टी कैफे, अच्छा ग्रीन वाइब टी कैफे, जो कि कादीपुर में उपस्थित है। और वेलकम, और हमारे विकास जी का आज बर्थडे है तो मतलब 19 साल के आप कंप्लीट हो चुके हैं और 20वां लगा है, तो बहुत बहुत अच्छा। इतने बड़े बड़े गिफ्ट पा रहे हैं, छोटी बात नहीं है। दो वर्षों से जो है हमारे साथ लगे हुए हैं, हम लोगों को कोई पूछ नहीं रहा। तो आप अपने कैफे के बारे में दो शब्द, ताकि आप क्या क्या फैसिलिटी, चूंकि आप अपने तरफ से काफ़ी अच्छा बता सकते हैं। नहीं सर, जैसे कि हम तो कादीपुर में कई दिनों, मतलब हमारे तहसील है कादीपुर, हम तो यहाँ आते जाते रहते हैं। हमने देखा कि यहाँ जो का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा एनवायरनमेंट है कि यहाँ लोग सड़क पे खड़े होकर के खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन 5 रुपये एक्सेस खर्च करके वो शांति से नहीं बैठ पा रहे, और इसीलिए हम थोड़ा मार्केट से चौराहे से भी हट करके हम ऐसे बेल्ट में आ गए हैं जहाँ के लोग आने के लिए अफोर्ड करेंगे तभी आ पाएंगे। अगर वो शांति से बैठना चाहेंगे, थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होगा, तभी वो यहाँ आएंगे। नहीं तो अगर वो पॉकेट देख करके आना या फिर रुकना कहीं ठहरना पसंद करेंगे, शायद उनके लिए चौराहा ही बेस्ट है। और यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि स्कूली बच्चे जो हो गए और उसके बाद और भी आस पास के लोग, तो वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। स्कूली बच्चियाँ जो होती हैं वो लोग भी बर्थडे और तमाम चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहती हैं एक दूसरे के साथ बैठ करके, लेकिन कहीं भी वो बैठती हैं तो वहाँ इतना क्राउड होता है कि वो शांति से इंजॉय नहीं कर पाती। थोड़ा सा लोगों को आना जाना रहता है, वो लोग ऑकवर्ड फील करती हैं, मगर ये है कि इंजॉय नहीं कर पाते, फिर भी किसी तरीके से वो अपना सेलिब्रेट करके वहाँ से जल्दी जल्दी उनको भरना होता है, और वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता तो वो लोग जल्दी से अपना जो कुछ भी होता है अफोर्ड भी करती है, लेकिन उस तरीके का एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपने जो है ये सेटअप बनाया? हमने कहा कि अब ये सब चीज़ें तो शहरों में ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग वहाँ ये सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन यहाँ है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए हमने कहा कि पहले हम स्टाफ को मजबूत करें, सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में आ जाए। काफ़ी अच्छा है, आपने लुकिंग काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है। उसके बाद फिर हमने कहा एडवर्टाइजमेंट तो नेक्स्ट स्टेप है। अब जैसा कि आप लोगों के माध्यम से यहाँ आना जाना होता रहेगा तो लोगों को और पहचान में पड़ेगी चीज़ें, और आप लोग तो शिक्षा जगत से हैं तो वहाँ तो ऑब्वियसली वहाँ हमेशा क्राउड रहता है लोगों का आना जाना, और बच्चों का स्ट्रेंथ जो है उसे हो सकता है कि भविष्य में हमको कुछ ऐसा लगे कि बच्चे ही तो यहाँ से निकल करके जाएंगे, जो चीज़ें यहाँ देखेंगे तो वो बाहर जाएंगे तो और एक्सपेक्ट करेंगे, वो खुद से करना चाहेंगे तो उससे और बड़ा करेंगे। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और यहाँ पे जो सेटअप है, जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मेरा सभी हमारे व्यूवर से भी अनुरोध है कि अगर आप कादीपुर में हैं, बिलोंग करते हैं, तो एक बार ज़रूर ग्रीन वाइब टी कैफ़े में ज़रूर आएँ। और इसका लोकेशन एक बार आप बता दीजिए कि सर ये ग्रीन वाइब टी कैफ़े चौराहे से जो है कादीपुर चौराहे से दोस्तपुर वाले रोड पर आप आएंगे तो रास्ते में मंदिर आपको मिलेगी,
राम जानकी मंदिर, राम जानकी मंदिर के गली से जब होकर के आप आएंगे तो चिरंजीवी हॉस्पिटल, चिरंजीवी हॉस्पिटल के जस्ट बगल में फर्स्ट फ्लोर पे है। तो जैसा कि दो जो है फेमस आपको जो है प्लेस बताए गए हैं, राम जानकी मंदिर की गली और चिरंजीवी हॉस्पिटल, तो आप लोग भी जो है इस ग्रीन वाइब टी कैफे में ज़रूर आइए। और तब तक हमारा एक आइटम बन के रेडी हो रहा है, हम लोग थोड़ा इन्जॉयमेंट लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।